देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद से इस वक्त की काफी दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। टिहरी गढ़वाल में आईटीबीपी जवानों से भरी बस पलट गई। बताया जा रहा है कि जवानों से भरी बस अचानक से सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 39 जवान सवार थे, जिनमें से कुछ जवानों को काफी गंभीर चोट आई है। घायल जवानों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले उत्तराखंड के कोटद्वार में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बारातियों से भरी एक गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 फीट खेरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टिहरी गढ़वाल में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मिल रही जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ड्यूटी से लौटते समय आईटीबीपी जवानों की बस ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताचेला के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस में कुल 39 जवान सवार थे, जिनमें से 8 जवानों को काफी गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सभी घायलों को नजदीकी 108 एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना आज शाम 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। फिलहाल जवानों का नजदीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है। आए दिन पहाड़ों में इस प्रकार की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड में हर दिन कहीं न कहीं दर्दनाक सड़क हादसे की दुखद खबर सुनने को मिलती रहती है। ऐसे में गढ़वाल तक की टीम आपसे निवेदन करती है कि आप उत्तराखंड में कभी भी सफर करते हैं तो ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाइए, क्योंकि पहाड़ी सड़कें जितनी खूबसूरत होती है उतनी भयानक भी होती है। खबर को लाइक करें, शेयर करें। पहाड़ की हर अपडेट पाने के लिए गढ़वाल तक को भी फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल गढ़वाल तक को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।